वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी अहसन इकबाल कहते हैं कि अमरीका पाकिस्तान के बड़े तजारती शराकत दारों में से एक है। इस्लामाबाद में मुल्क की तामीर नौ में यूएस एड के तआवुन से मुतालिक तकरीब से खिताब करते हुए अहसन इकबाल ने कहा कि पाकिस्तान और अमरीका के माबैन तजारती हजम 6.5 अरब डॉलर है, जिसे मजीद बढ़ाने के लिए कोशा है। तफसील समीउल्लाह से। मनसूबा बंदी के वफाकी वजीर एहसन इकबाल ने कहा कि पाकिस्तान अमरीका तजारती ताल्लुकात से न सिर्फ रोजगार के मौके पैदा होंगे बल्कि जिद्दत और इक्तसादी इस्तेहकाम में भी बेहतरी आएगी। उन्होंने कहा कि दोनों मुल्क तजारती मसाइल के हल, मजबूत और बाहमी मुफाद पर मबनी इक्तसादी शराकतदारी कायम करने के लिए कोशा हैं। The United States has been instrumental in transforming Pakistan's infrastructure landscape, iconic projects as it has been mentioned, such as Mangla and Tarbela dams continue to serve as lifelines for our agriculture and energy sectors. US supported initiatives in healthcare, education and transportation have improved the quality of life for countless citizens. These projects not only address Pakistan's immediate needs but also lay the foundation for long-term growth and development. पाकिस्तान में अमेरिका के सफीर डोनाल्ड ब्लूम ने कहा कि पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान मजबूत शराकतदारी कायम है। पाकिस्तान में तालीम, सेहत समेत बुनियादी ढांचे के मंसूबों में अमेरिका मुआवनत फराहम कर रहा है। It's an enduring partnership, represents more than a $2 billion investment, and what it means is tangible improvements in roads and bridges, healthcare, education. You see in these displays that we have here some of the incredible schools and institutions of higher education that we've helped develop here in Pakistan. Means reliable electricity and water for the people of Pakistan. पाकिस्तान में अमेरिका के सफीर डोनाल्ड ब्लूम ने वफाकी वजीर एहसन इकबाल को यूएस एड की जानिब से पाकिस्तान में किए गए फलाही कामों और मुस्तकबिल में शुरू होने वाले मंसूबों पर ब्रीफिंग दी। समीउल्लाह, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, इस्लामाबाद।